Continuing with the part 3 of your 8th chapter, so 8.3 is development of tourism. In India, there are many places to visit and बाहर से लोग हमारे कंट्री में आने चाहिए, फॉरेन ट्रैवलर्स बढ़ना चाहिए, इसीलिए हमें टूरिज्म की क्या करनी पड़ेगी, डेवलपमेंट. तो वो किस तरह करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो द क्रूशियल इश्यू क्या है इसमें, कि यू शुड प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस. अगर किसी को बाहर से इंडिया में आना है कोई चीज देखने के लिए, तो आपको एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी, एक प्रॉपर गाइडेंस देना पड़ेगा उस पर, टू नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल टूरिस्ट, अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एक्चुअल ट्रैवल. कि आप ट्रैवल जो करने वाले हो तो क्या क्या चीजें आपको देखने मिलेगी और क्या क्या शेड्यूल रहेगा, ये सब चीजें आपको एक प्रॉपर गाइडेंस के जरिए बताना है. देन सोशल कंडक्ट भी अच्छा होना चाहिए ड्यूरिंग द टूर, बिकॉज अगर आप इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इंडिया रिप्रेजेंट करते वक्त आपका जो कंडक्ट है फॉरेन टूरिस्ट के साथ वो अच्छा होना चाहिए. उनका जो स्टे रहेगा डेस्टिनेशन प्लेसेस पे, वहाँ पर आपको अच्छी तरह से एक सर्विस देनी पड़ेगी. तो ये सब चीज़ें हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म. देन गिविंग प्रायोरिटी टू एंश्योर सेफ ट्रांसपोर्ट एंड सिक्योरिटी फैसिलिटीज़. अगर आप एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हो टूरिस्ट को, तो आपको एक जो ट्रांसपोर्ट है वो सेफ करना पड़ेगा. देन आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी उनके बिलोंगिंग्स की. देन एमिनिटीज़ आपको अच्छी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ऑफ गुड स्टैंडर्ड. देन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड अकोमोडेशन, जो उनका स्टे रहेगा डेस्टिनेशन प्लेसेस पे, तो वो अकोमोडेशन भी अच्छा होना चाहिए. देन गुड वॉशरूम फैसिलिटीज़ ऑन ट्रैवल रूट्स, क्योंकि अगर आप 10-12 घंटे ट्रैवल करोगे वाया रोड ट्रांसपोर्ट, सो यू हैव टू प्रोवाइड गुड वॉशरूम फैसिलिटीज फॉर देम. सो दिस आर द ग्रेट सिग्निफिकेंट थिंग्स विच आर नीडेड फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म. देन इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू पे स्पेशल अटेंशन टू स्पेशल नीड्स ऑफ हैंडीकैप्ड टूरिस्ट. जो भी टूरिस्ट है हु आर डिसेबल्ड, सो उनका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा. देन फ्यू थिंग्स आर प्राइमरी प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट. आपको जो आप चीज़ें हैं दिखाना चाहते हैं फॉरेनर्स को या फिर इंडियन ट्रैवलर्स को, तो वो दिखाने के लिए वो चीज़ आपको सेफ रखनी पड़ेगी, उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा, वहाँ पर साफ सफाई करनी पड़ेगी, वहाँ पर रेनोवेशन करना पड़ेगा, जो चीज़ें खराब हो चुकी है उसको ठीक से करना पड़ेगा. तो ये ऑर्डर आपको सेट करना पड़ेगा, तभी आपके यहाँ पर लोग आएंगे टूरिस्ट बनकर. अगर वो चीज़ देखने लायक नहीं होगी तो कोई नहीं जाएगा. तो ये प्राइमरी प्रिकॉशन आपको रखना पड़ेगा एज अ टूरिस्ट पर्सन हु वर्क्स फॉर गवर्नमेंट. देन इट इज़ एसेंशियल दैट फ्यू थिंग्स शुड बी अवॉइडेड, लाइक वैंडलाइजिंग और डिफेसिंग द हेरिटेज मॉन्यूमेंट. आपको वहाँ पर जो भी फोर्ट्स है या मॉन्यूमेंट्स है या पुतले होते हैं, तो वो आपको वैंडलाइज नहीं करना है, उसको रिस्पेक्टफुली आपको देखना है, फोटोज खिंचाने हैं एंड उस पर कुछ लिखना नहीं है. देन राइटिंग ऑन वॉल्स एंड कार्विंग ऑन ट्रीज शुड बी अवॉइडेड. आपको पता है कि वॉल्स पर लिखा जाता है राज लव सिमरन, तो ये सब चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए. कार्विंग ऑन ट्रीज भी होता है, एक ऐसी चीज़ बनाई जाती है, तो वो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज हमारा एंशियंट मॉन्यूमेंट जो है वो ख़राब होता है. पेंटिंग भी नहीं करना चाहिए, पेंट से भी कोई लिखना नहीं चाहिए विथ कलर्स एंड ऑल. सो गुड एमिनिटीज जो है उसका अगर लैक होगा, तो देन ऑल्सो पीपल विल नॉट कम. देन फिल्दीनेस नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए. इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर टूरिस्ट दैट पैम्पलेट्स, गाइड्स एंड हिस्ट्री बुक्स अबाउट टूरिस्ट साइट शुड बी अवेलेबल इन देयर ओन लैंग्वेज. अगर कोई फ्रांस से आ रहा है तो फ्रेंच लैंग्वेज में भी आपके पास होना चाहिए, स्पेन से आ रहा है तो स्पैनिश लैंग्वेज में भी हिस्ट्री बुक्स होनी चाहिए, ताकि उनको एक गाइडेंस मिल सके कि वो क्या देख रहे हैं. क्योंकि अगर उनको इंग्लिश भी नहीं आती है एंड लोकल लैंग्वेज हमारी इंडिया की भी नहीं आएगी, तो देन दे विल नॉट एन्जॉय. बिकॉज आप जब पढ़ोगे हिस्टोरिकल साइट्स के बारे में, तब आपको दिलचस्पी आती है देखने के लिए. सो दिस ऑल थिंग्स हैज़ टू बी मेड अवेलेबल बाय गवर्नमेंट. सच लिटरेचर शुड बी मेड अवेलेबल इन वेरियस लैंग्वेजेस, एंड इट वुड बी हेल्पफुल इफ टैक्सी ड्राइवर्स आर ट्रेन्ड. नाउ व्हेन आई वेंट टू दिल्ली एंड आगरा, तो वहाँ पर इंसिडेंट्स होता था कि जब आप रेलवे स्टेशन से बाहर जाते हो तो बहुत टैक्सी ड्राइवर्स की भीड़ हो जाती है और भरोसा नहीं होता है. हम अनजान शहर जाते हैं, तो जो कोई महाराष्ट्र से या गुजरात से या कोई अलग स्टेट से कोई आदमी जाता है, जो जिसके लिए बहुत नई चीज़ होती है कोई दूसरी जगह, और वहाँ पर अगर टैक्सी ड्राइवर्स पीछे ही पड़ जाएंगे तो क्या होता है, डर लगता है. तो ये जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, इनको ट्रेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाउ यू शुड बिहेव विद टूरिस्ट. अदरवाइज क्या होता है कि ट्रेन, जैसे ही हम ट्रेन से उतरते और टैक्सी ड्राइवर्स घेरते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो जो सिटी होती है उसको पहले ही नाम रख देते कि ये दिल्ली है, इसका तो नाम पहले ही ख़राब है, शुरुआत हो गई है, ऐसा सब चीज़ें हैं. तो वो फॉरेनर्स के साथ नहीं होना चाहिए. फॉरेनर्स को इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं, एज अ टैक्सी ड्राइवर ऑल्सो इज रिप्रेजेंटेटिंग इंडिया,
तो उसका बिहेवियर काफी इंपॉर्टेंट है. दे मे ऑल्सो ट्रेन एज टूरिस्ट गाइड, एज अ टूरिस्ट गाइड भी वो ट्रेन कर सकते हैं, ही कैन अर्न अ मनी. देन कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको कंजर्व भी करना है और आगे के जनरेशन के लिए प्रिजर्व भी करना है हेरिटेज साइट्स. एंड इट इज हार्ड टास्क टू प्रिजर्व एंड कंजर्व, क्योंकि बहुत 300-400 साल पहले वो चीज़ें बनी है, तो उसको कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट को काफ़ी स्टेप्स लेने पड़ते हैं. आवर कंट्री इज वेरी रिच विथ हिस्टोरिकल साइट्स डेटिंग टू एंशियंट मिडिवियल एज वेल एज मॉडर्न पीरियड. एंशियंट पीरियड में केव्स आते हैं, मिडिवियल पीरियड में ताजमहल, रेड फोर्ट, और मॉडर्न पीरियड में आता है जो ब्रिटिशर्स ने बनाया है, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है CST, तो ये मॉडर्न में आता है. इट इज़ ऑल्सो ब्लेस्ड विद अबंडेंस ऑफ नेचर, जहाँ पर आप ऊटी देखने जाते हो या फिर उत्तराखंड के फ्लावर गार्डन्स है. इंडिया में बहुत सारी चीज़ें जो नेचुरली बहुत ही खूबसूरत है, देन उसको भी मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है. एंड इंडिया इज डिवाइडेड इन टू नेचुरल हेरिटेज एज वेल एज मैन मेड हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज. देन देर आर सम हेरिटेज साइट्स इन इंडिया विच आर अक्लेम्ड ग्लोबली, कि सारा दुनिया जानती है कि इंडिया में क्या है, तो वो है ताजमहल जो है आगरा में. देन जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी है, दैट इज इन जयपुर. सेम जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी दिल्ली में भी है. देन रॉक कट केव जो है अजंता, वेरूर एंड घारापुरी जो है एलिफेंटा, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है. आप अभी महाराष्ट्र से ही हो तो आप कभी अजंता और वेरूर में गए और आपने देखा कि कोई अगर उसमें कलर गलत तरीके से कर रहा है या कार्विंग कर रहा है, देन यू शुड आस्क हिम टू स्टेप बैक. देन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो है, दैट इज ऑल्सो अ वंडरफुल मॉन्यूमेंट टू वॉच, एंड दैट इज इन महाराष्ट्र. देन कास्ट प्लेटिव है महाराष्ट्र का, हमारे जो वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है, विच इज अ वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट, सो इट इज अ बिग थिंग. देन देर आर सम फ्यू गाइडलाइंस. देर आर टूरिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हु विश टू विजिट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. हमारे इंडिया के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, तो बाहर से टूरिस्ट की ख्वाहिश होती है कि वो जाकर इंडिया में वो चीज़ें देखे, लाइक ताजमहल. देन फॉरेन टूरिस्ट कम इन लार्ज नंबर्स टू विजिट द हेरिटेज साइट इन आर कंट्री, एंड इट मेक्स अस वेरी प्राउड दैट वी हैव ऑल दिस थिंग्स, एंड बाहर से लोग आके यहाँ पर देखते हैं. हावेवर वी विजिट सच प्लेस वी फील वेरी डिसअपॉइंटेड ऑफ वॉट वी सी देयर. पर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर वो मॉन्यूमेंट साफ सफाई नहीं रखी जाए या फिर उसको वैंडलाइज किया गया है बाय क्रेजी लवर्स, देन वी फील वेरी सैड. या फिर आप वहाँ पर गए, बिस्लरी की बॉटल्स लेके जाते हो केव्स में, या फिर आप कोई फोर्ट चढ़ते हो तो वहाँ पर पानी की बॉटल्स जो बेचते हैं, तो आप पानी की बॉटल पीने के बाद उसको वहीं पर अगर फेंकोगे, तो दैट क्रिएट्स रॉन्ग व्यू फॉर फॉरेनर्स. उनको लगता है कि इट इज़ नॉट अ गुड थिंग. इंडिया में साफ सफाई को प्राधान्य नहीं दिया जाता है. हालांकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने हमारे यंग जनरेशन के हाथ में वो चीज़ दी है कि स्वच्छ भारत अभियान जो है, तो ये आने वाली जनरेशन अगर अमल में लाएगी तो आने वाली आगे जनरेशन भी उसको एक एज अ प्रैक्टिस अपनाएगी, और आगे जाकर हमारा इंडिया बहुत क्लीन हो सकता है. सो वी शुड डू दैट. देन वी गेट टू सी पीपल हैव रिटन देयर नेम्स विद चारकोल. चारकोल से लिखा जाता है राजवेड, सिमरन एंड ऑल दिस थिंग्स. हैव ड्रॉन पिक्चर्स वैंडलाइजिंग द हेरिटेज साइट्स. इट अफेक्ट्स आर इमेज ऑफ नेशन. और अगर नेशन का अगर बात है और नेशन का हमारा इमेज अगर खराब होता है, तो दैट इज़ वेरी बिग थिंग. एंड एज अ यूथ वी शुड सपोर्ट एंड वी शुड ट्राई टू इरेज दैट थिंग बाय ourselves. हम गवर्नमेंट की राह नहीं देखनी चाहिए कि अगर किसी ने ऐसा कोई चित्र बना के रखा है, तो यू शुड गो एंड क्लीन इट इफ यू फील दैट यू आर अ सिटीजन ऑफ योर ब्यूटिफुल कंट्री. सो वॉट शुड वी डू? वी शुड टेक अ प्लेज. आई शैल स्ट्राइव टू मेंटेन द क्लीनलीनेस ऑफ हेरिटेज साइट. मैं मेरे हेरिटेज साइट को क्लीन करने का एक दृढ़ निश्चय लेता हूँ. आई शैल नॉट डू एनीथिंग विच विल रिजल्ट इन वैंडलाइजिंग ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स. हिस्टोरिकल साइट्स खराब जो हो रहे हैं, उसको वैंडलाइज जो करते हैं, तो वो मैं करने नहीं दूंगा. देन वॉट आर द प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री? इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल इफ यू परसीव इन दिस टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. लाइक इफ यू बिल्ड होटल्स, अगर अच्छे शानदार होटल्स आपने बनाए, तो फॉरेन टूरिस्ट आपके होटल्स में रह सकते हैं. आप अगर अच्छी टैक्सी सर्विसेज देते हो, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देते हो फॉरेनर्स को,
अच्छे टेक्नोलॉजी के साथ, तो आपको ये प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छे मिलेंगे। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इज एन इंडस्ट्री विद पोटेंशियल टू क्रिएट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। आप बहुत लोगों को काम दे सकते हो अगर आप इस इंडस्ट्री में गए या फिर आप ही उस इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। एंड इफ यू आर मैनेजिंग इट प्रोफेशनली, इट इज अ वेरी स्टेबल इंडस्ट्री, आपको दूसरे बिजनेस की जरूरत नहीं है। आप यही इंडस्ट्री में बहुत सारा ग्रोथ कर सकते हो। इट हैज ट्रिमेंडस स्कोप फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन। There are good opportunity of employment available in tourism and hospitality industry. Then country which is a tourist destination. अगर हमारा इंडिया एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो यहाँ पर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को काफ़ी अच्छा रेवेन्यू रिसीव होता है। एट द एयरपोर्ट, जब इवन बिफोर अ टूरिस्ट अराइव्स एट एयरपोर्ट, टूरिस्ट आया नहीं तो भी आपके होटल की बुकिंग्स होगी, आपका कोई रेस्टोरेंट है वहाँ पर भी लोग आकर खा सकते हैं अगर इट इज़ वेरी फेमस। तो ये एयरपोर्ट आने से पहले ही आपकी बुकिंग्स हो जाती है। ही हैज़ टू पे फॉर हिज वीज़ा, ही स्पेंड हिज ट्रैवल, स्टे इन होटल्स, फूड, पेमेंट और ट्रांसलेटर एंड गाइड्स, देन ही बाइज न्यूज़पेपर, रेफरेंस बुक्स, सोवेनियर्स, ये सब चीज़ें खरीदता है। तो दैट ऑल्सो प्रमोट्स हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू आर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग रहेगी देन ओनली इंडिया विल बी अ स्ट्रांग कंट्री। हेंस लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, कॉटन इंडस्ट्रीज ऑल्सो बिगेन टू डेवलप। बाहर के जो लोग आते हैं सो दे लाइक टू हैव लोकल हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से बनाए जाते हैं, तो वो चीज़ें है, कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटन महाराष्ट्र में काफ़ी ग्रो होता है तो कॉटेज इंडस्ट्री को भी बहुत बढ़ावा मिलता है। द डिमांड फॉर लोकली प्रोसेस्ड फूड आइटम्स एंड एथनिक हैंडीक्राफ्ट्स इंक्रीजेस, इट रिजल्ट्स इन बेटर इनकम फॉर लोकल आर्टिसंस। जो लोकल आर्टिसंस होते हैं, जो हाथ काम करते हैं, उनको काफ़ी डिमांड आता है। बिजनेस पीपल एंड वेज अर्नर्स भी होते हैं। देखिए आप अगर गोवा गए तो वहाँ पर बहुत सारे शॉप्स होते हैं, तो शॉप्स में क्या होता है, फॉरेन टूरिस्ट जो होते हैं वो खरीदी करते हैं, तो वो लोकल आर्टिसन, बिजनेस पीपल, वेज अर्नर को मुनाफा होता है। डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में डेवलपमेंट कैसा करना चाहिए। ये महाराष्ट्र इज ब्लेस्ड विथ रिच हेरिटेज एंड द मेन एडमायर्ड इज रॉक कट केव ऑफ अजंता, वेरू एंड घारापुरी विच इज एलिफेंटा। देन यहाँ पर हमारे पास पिलग्रिम सेंटर्स भी है जैसे देहू, आळंदी, जेजुरी, पंडरपुर, शिरडी, शेगाव, तुळजापुर, कोल्हापुर, नासिक, त्रिंबकेश्वर, पैठण, हाजी मलांग, गुरुद्वारा एट नांदेड, माउंट मेरी चर्च इन मुंबई विच इज जस्ट बिहाइंड द बंगलो ऑफ शाहरुख खान। देन हिल स्टेशन्स लाइक महाबलेश्वर, पंचगनी, खंडाला, लोनावला, माथेरान, चिक्कलदारा एक्सेट्रा। देन देर आर डैम्स एट कोयनानगर, जायकवाड़ी, भाटघर, चांदोली, सेंचुरीज एट दाजीपुर, सागरेश्वर, ताडोबा, सो मेनी थिंग्स वी हैव इन महाराष्ट्र। द महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वॉज सेट इन 1975 एंड इट हेल्प डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन महाराष्ट्र। सो दिस इज अ गुड थिंग, इन 1975 अ कॉरपोरेशन वॉज डेवलप, तब जाकर टूरिज्म इन महाराष्ट्र बढ़ा है, पर और बढ़ना चाहिए। द कॉरपोरेशन हैज प्रोवाइडेड फैसिलिटीज ऑफ टूरिस्ट होटल्स एट 47 प्लेसेस विच इज गुड थिंग एंड इट कैन अकोमोडेट 4,000 टूरिस्ट एट अ टाइम। सो दैट इज ऑल्सो अ वंडरफुल थिंग, बिकॉज जब टूरिस्ट आएंगे बाहर से तो डॉलर भी आएगा, पाउंड्स भी आएंगे, यूरोज भी आएंगे एंड महाराष्ट्र की इकोनॉमी काफी स्ट्रांग होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।